हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज शर्मा। आपके मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आपको नोकिया के एक नए फ्लैगशिप फ़ोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उस फ़ोन के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको नोकिया के एक फ्लैगशिप फ़ोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उस फ़ोन का नाम है नोकिया 9.3 प्योर व्यू। ये फ़ोन अभी नवंबर में लॉन्च होने वाला था, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक। मतलब इसके रूमर्स थे कि ये नवंबर में लॉन्च हो जाएगा, नवंबर 2020 में, पर ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा कि ये कब लॉन्च होगा, और इसके अंदर थोड़ी मोड़ी जो भी रूमर्स निकल के आए हैं, जो भी इसके अंदर कुछ लीक्स निकल के आए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देता हूँ कि नोकिया 9.3 प्योर व्यू आपको इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा, जो कि आपको पता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो आपको ओलेड डिस्प्ले मिलेगी। और उसके बाद आपको इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है वो आपको ये मिलेगा कि इसके अंदर अंडर स्क्रीन आपको कैमरा मिलेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको इसके अंदर अंडर स्क्रीन कैमरा मिलेगा। इसके बैक साइड में बता रहे हैं कि आपको 5 कैमरे का सेटअप मिलेगा। बाकी मैं इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं बता सकता कि क्या क्या मेगापिक्सल के इसके अंदर कैमरे आए हैं। इसके बाद इसकी जो बैटरी लाइफ है वो लगभग 3500 से 3500 mAh के बीच में इसकी बैटरी है वो आएगी। और उसके बाद मैं इसमें बता देता हूँ इसका मेन जो चीज़ है, इसके अंदर एक तो इसकी रिफ्रेश रेट है उसकी 120 हर्ट्ज की, इसके अंदर रिफ्रेश रेट आएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसको टच वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। अंदर जो आपको प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन का 875 मिलेगा। इनमें आप अभी तक आपको बता रहे थे कि नवंबर तक आपको बताया जा रहा होगा कि इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन है वो 865 है, लेकिन अब ये रूमर्स निकल के आइए कि ये जो इसके आप आगे बाद में ये लॉन्च होगा उसके अंदर इसके अंदर स्नैपड्रैगन 875 आएगा। ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि इसकी जो लॉन्च डेट है वो अगले साल के जनवरी से लेके जून या जुलाई इसके बीच तक आ जाएगा। तो मैंने इसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके अंदर आपको ओलेड डिस्प्ले मिलेगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगी, अंडर स्क्रीन आपको इसके अंदर कैमरा मिलेगा फ्रंट कैमरा, और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 875 मिलेगा, और इसको और आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो बस इस फ़ोन के बारे में इतना ही था, और अगर इसके बारे में कोई और नई चीज़ निकल के आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।